प्लीज बताइएगा. मैंने टाइटल ट्रैक भी सुना है एंड इट्स कॉल्ड दैट रियली लवली फील. आपको ऐसे 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 करने का मन करता है ऑन द टाइटल ट्रैक. तो इस म्यूजिक का बताइए कैसे कैसे करने का. ऐसे 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 कैसे कैसे करूं मैं. ऐसे ऐसे तो नहीं किया था हमने. अरे बाप बताइए कैसे. हमने तो सीधा शुरू कर दिया. ओ देना दाड़ा में दाड़ा में देना दाड़ा में दाड़ा में देना देना में दाड़ा में देना ओ देना दाड़ा में दाड़ा में देना देना दाड़ा में देना अच्छी लगनी चाहिए कंपोजिशन. बिकॉज़ यू नो बिकॉज़ क्या होता है आप उनके साथ काम करें तो यू हैव टू एक्साइटेड. तो वो तो खैर माशाल्लाह सबको एक्साइट करते ही रहते हैं लेकिन हमने इस टाइम नया कुछ रिश्वत दी. तो रिश्वत की बात है हमने रिश्वत दी गुलजार साहब को एक नया तोड़ा दिया. दिड़ दड़ा में दिड़ में दुड़ दुड़ में दड़ा. तो गुलजार साहब सबने पहले सुन लिया ये क्या दिड़ दुड़ कर रहे हैं. और फिर इतना अच्छा लगा गुलजार साहब को. गुलजार साहब ने वहीं पर लिखा और इतना अच्छा. और ये गाने के अभी गुलजार साहब ने एक्सप्लेन किया था ऊपर इसके मायने. मैं चाहूँगा गुलजार साहब इस बारे में कुछ. जिस वक्त ये लेकर आए ये ऑफर लेकर आए ये सब्जेक्ट में बताया ना ऑफिस और मतलब इट वाज एन ऑब्लिगेशन ऑन मी रादर. मैं तो ये नहीं कहता हूँ कि रिश्वत तो आप ही देने आए थे मुझे. तो वो लेकिन जिस वक्त ये थीम सॉन्ग जो मुसद्दी लाल का है ही इज़ दी थीम दैट कैरेक्टर एंड दैट सच अ ग्रेट एक्टर लाइक पंकज. तो का मतलब ये जिस वक्त ये लाइन वहाँ बनाई कभी बाएं तरफ कभी दाएं तरफ और कभी बीच सड़क बेदौड़क चले. तो ये मिडिल क्लास आदमी है जो बीच सड़क के चलता है मिडिल में चलता है. तो बाकी राइटिस्ट हैं और लेफ्टिस्ट हैं. दाएं और बाएं का जो है वो जो इशारा है वो लेफ्टिस्ट है. तो उसको बेचारे को समझौते हर तरफ करने पड़ते कभी राइटिस्ट की तरफ उसकी तरफ हो जाता है फिर बाएं तरफ तो वो लेफ्टिस्ट की तरफ जहाँ से उसका काम बनता रहे इसलिए वो बीच सड़क में चलता रहता है ताकि वो करवट ले सके दोनों तरफ पे. और ये उसका मकसद था. तो इसी यही थीम है और इसी को जो आम आदमी की ज़िंदगी है उसमें पूरे गाने में उस जबान में कहा उस लाइट सी जबान में जिस जबान में कि फोक सॉन्ग्स होते हैं हमारे यहाँ. एक्चुअली बड़ा मज़ा आया था. मतलब ये इतना आम हो चुका है रिश्वत देना. पहले पहले डर लगता है कि पकड़े गए और फिर ये करना फिर वो करना फिर वो एक सिस्टम में बन जाता है. तो नाउ इट्स लाइक अ गेम फॉर अस यू नो. तो एक दिन मैं गाड़ी से निकल रहा था गुजरात साहब और सिग्नल मतलब खुला सब बंद हो चुके थे और सिग्नल मेरा खुलने वाला था बट होता है ना कि थोड़ा जल्दी निकल जाते. तो बस उसमें मेरे से वो निकल गया कि मैं निकला आगे और सिग्नल खुल चुका था और उसको चांस मिल गया. तो मैंने बोला अरे यार तो फंस गया. तो मैं तभी है ना वो रेस्टोरेंट से खाना खा के आ रहा था तो मेरे पास बिल पड़ा हुआ था कड़क कड़क. तो मैंने बोला यार इसको क्या करूँ अभी मैं. तो जैसे निकला मैं बोला अरे दादा सीधे मैंने बिल निकाला और उसकी जेब में डाल दिया. मैंने दादा यार कड़क कड़क मुझे आवाज़ किया तो देख रहा तो बोले कितना. तो मैं बोला दादा अभी ईमानदारी से पकड़ा ईमानदारी से दिया ना खलास. मैं अभी पूछ मैं जो दिया दिल से दे दिया. और मैं गाड़ी लेके बैठ गया. तो बोले अच्छा अच्छा अब आगे जाके मैं थोड़ी देर रुक के ना मैं गाड़ी में से निकल के चेक किया तो अपने आप चेक कर रहा बिल निकल रहा. तो मैं भी देख रहा तो मेरा वाओ सॉरी यार कभी कभी अपने को भी देते रिश्वत. बट नो आई लव दोस पीपल दे आई फाइंड देम वेरी क्यूट. ओ बड़ा आम है आम आदमी करना नाम बदनाम आदमी नाम.
आलू जैसे भरे हुए हैं जिस्म की खाली बोरियों में, ये सिस्टम भी ज्यादा है इन्हें कभी कप में कभी कटोरियों में, देखा है क्या लंबा जोड़ा जोड़े कभी काम आदमी हो सुबह ये गाना सुन लो पूरा दिन एकदम करेक्ट।